हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो ये चैनल में आपको आईटीआई, टेट्स और नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल पेपर्स ऑल गवर्नमेंट एग्जाम लेवल जो होता है आईटीआई का, और आर्मी, जीडी, नॉन टेक्निकल और नर्सिंग और कलर का पेपर आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना वीडियो अच्छा लगे तो। आज हम जीडी, आर्मी जीडी का पेपर सोल्यूशन देखेंगे। तो वो इस प्रकार है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास। तो आज आपके लिए मैं आज का टॉपिक लाया हूँ, इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी का जो पेपर होता है जीडी का, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं जो इस प्रकार है। दोस्तों, इस चैनल में आपको आईटीआई से रिलेटेड और आर्मी और नॉन टेक्निकल टेक्निकल पेपर का सोल्यूशन मिलेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास आसानी से मेरी वीडियो पहुंच जाए नोटिफिकेशन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेशन और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और देखते हैं ये असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा किया गया था? तो 1920 में किया गया था। कायांक इनमें से किसके संबंधित हैं? तो बोट के नाव के। चौथा देखते हैं नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक है गोदावरी तट, गोदावरी। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय का एकमात्र जल परीक्षण जहाज है? तो INS त्रांगिनी है। देखते हैं छठा क्वेश्चन दोस्तों, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज अमेजोन इज द फ्लोइंग द थॉट लैंग आप हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजोन कहाँ बहती है? साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में बहती है। देखते हैं सातवां क्वेश्चन, कौन सा दस्तावेज भारत आधिकारिक भाषाओं का वितरण रखता है? एट्थ। देखते हैं नौवां क्वेश्चन, भारतीय सेना में कमांडो की संख्या कितनी है? 7 है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल पर आर्मी, इंडियन आर्मी, जीडी, और मैं आपको उस ये जो कलर का पेपर होता है उसका भी आपको मैं वीडियो बना के पैटर्न पे आपको मिल जाएगी वीडियो मेरी, तो देखना ना भूलें दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो रियाल है वहाँ की मुद्रा। देखते हैं 12वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी? इसका नाम सरोजिनी नायडू थी। देखते हैं गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है R.K. नारायण है। देखिए 14वां क्वेश्चन, सशस्त्र बल के सशस्त्र कमांडर हैं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होता है? 15वां क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच की गई थी? तो इसका आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी। और मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। और वाद विरुद्ध दो विटामिन का नाम बताएं, विटामिन ई। और ये 18वां क्वेश्चन, कार्यबल और विस्थापन के बीच संबंध बताइए? इसका है W=F×S, फोर्स, फ्रिक्वेंसी और डिस्टेंस। देखते हैं अब ये कौन सा रसायन पौधे का प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है क्यूनेन। देखते हैं 20वां क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो अर्थक्यूब मापा जाता है। देखते हैं 21वां क्वेश्चन, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। और देखते हैं 22वां क्वेश्चन, देखते हैं इनमें से कौन सी अधिक मात्रा हाई स्पीड होती है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? आयरन होता है दोस्तों। तो एक जीव में रासायनिक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है, कोशिका। मानव शरीर में रक्त किस ग्रुप होता है? काइमुर्दा के रूप में होता है। देखते हैं 26वां क्वेश्चन, देखते हैं किस गैसों की उत्पत्ति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो NO2SO3, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2SO4। देखते हैं विद्युत प्रवाह किसके मापा जाता है? एमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कलर्स का आंसर ये है दोस्तों, बट इसका आंसर ये नहीं है क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ केमिकल का, तो इसका आंसर है रेड, ब्लू और येलो होता है। इसका आंसर सी है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं सी है दोस्तों, क्योंकि आंसर में तो बट ए दिया पड़ा है,
आंसर ये नहीं है। आप नेट पे सर्च मार के देखना, प्राइमरी कर्तव्य तो आपको रेड ब्लू और येलो ही थे दिखेगा। लाल नीला और पीला ये एक प्राथमिक कलर होते हैं जिनके द्वारा हम अनेक कलर बनाए जा सकते हैं। तो नेत्रकोशिका में से कौन सा अंग कोशिका के विरुद्ध दुर्घटना कहलाता है? इसका आंसर है माइक्रोकार्डिया। देखते हैं 30वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रण करता है? हॉर्मोन्स है। देखते बच्चे देखते इकतीसवां क्वेश्चन देखते हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड रहती है? 0.04% होती है। चलते दोस्तों हम 3200 क्वेश्चन का। मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। देखते किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। देखते कौन सी जीवाणु दूध को दही में प्रभावित करता है? इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। इसका आंसर देखते हैं द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑफ द सॉरी देखते हैं हम 12 और 30 का तीसरा अनुपातित और 9 और 25 के बीच में माध्य अनुपातित कितना होगा? 5.5 होगा। देखते हैं हम 37वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 36 पुरुषों एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर पाएंगे? 60 हॉर्स में 60 घंटे में। पहले 7 प्रकृति संख्याओं में वर्गों का औसत क्या औसत है? 20 होता है। सिंपलीफी हल करें, इसका हल करना है तो इसको हल करके दोस्तों ये आया 230, आप ट्राई कर लेना। तो देखते हैं दोस्तों 40वां क्वेश्चन। ये संख्या में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए इसका योग्य एक पूर्ण वर्ग होगा? तो 4 है इसका आंसर। देखते हैं फिर 41वां क्वेश्चन का। देखते हैं दोस्तों 10 वर्षों में ए की उम्र बी वर्ष पूर्व उम्र की दोगुनी होगी। तो अगर ए अभी बी से 9 बड़ा है तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो 39 वर्ष होगी। देखते हैं इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है? तो √3 आंसर है, 3√3। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। देखते जैसे कि एक परीक्षा में 80% छात्रों की अंग्रेजी में उत्तर, गणित में 85% और 75% दोनों अंग्रेजी और गणित में, 40 छात्रों को दोनों विषय में अनुपरित, कुल छात्रों की संख्या बताइए? तो 400 है। इसको फ्रेंड आपको हल करना पड़ेगा। देखते हैं 6.46 इनका आंशिक रूप क्या होगा? 649 होगा, 49/100 होगा। इसके अंदर देखते हैं हम 45वां क्वेश्चन का। 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का महत्व समवर्तक क्या होगा? तो 2/81 होगा। देखते हैं एक कार का 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? 450 मिनट करेगी। तो 47वां, एक किसी राशि के प्रति वर्ष 8% ब्याज की दर से 6 साल के बाद उस राशि का आधा है तो यह राशि क्या होगी? डाटा यह इसका अपर्याप्त जानकारी। इसके अंदर देखते हैं हम अगर एक वृत्त की त्रिज्या में वृत्तचर की वृद्धि से हो तो इसकी गति प्रबंधन की जाएगी 75% होगी। देखते हैं दोस्तों इसके अंदर हम 45 को इफ साइन थीटा इज कॉस थीटा 1 होगा, 45 होगा। 50वां क्वेश्चन, एक गोलार्ध का घुमन घुमादार सतह क्षेत्र होगा 2πr² होगा। दोस्तों ये पेपर था जो जीडी का पेपर है, इंडियन आर्मी का पेपर है। तो ये पेपर वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है इस प्रकार है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो चाहिए, अगली मेरी वीडियो होगी कलर की।